इस देश में लाखों बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, बट सब लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पहले तो बच्चे इतने ज़्यादा है कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है अच्छे कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा बहुत सारे रैंडम कॉलेजेस खुले हुए हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ कुछ हैं ही नहीं। ऐसे में तुम क्या करोगे? क्योंकि फ्यूचर तो यही है, AI आ चुका है, टेक में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपके पास स्किल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जो कि ये दिखाते हैं कि बहुत सारे कॉलेज ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं, उनके पास इनफ स्किल्स ही नहीं है। ऐसे में करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? आखिर ऐसे वो कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे जाके आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो एंड फाड़ सकते हो इस पूरे टेक फील्ड में? वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माई न्यू सीरीज फ्यूचर यू, जहाँ पे मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ कि आपके पास आज की डेट में मार्केट में कौन सी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपको स्किलफुल बना सकती हैं, जिससे कि आप अपने करियर में यहाँ से यहाँ पहुँच सकूँ। एंड आज मैं हूँ एक ऐसे कैंपस में, एक ऐसे कॉलेज में जिसका नाम है न्यूटन स्कूल। इसको एस्टैब्लिश किया है IITians ने एंड ये इतनी अमेजिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज़ दैट कि ये आपको वो चीज़ पढ़ाता है जिसका आज के डेट में डिमांड है, वो है कंप्यूटर साइंस। यहाँ का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्विंग है, मतलब विद टाइम अपडेट होता जा रहा है। कल को AI में कुछ चेंज आता है, इनके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। बट ये तो बात रही एकेडमिक्स की, इसके साथ साथ और क्या फैसिलिटीज़ है जो कि इस कॉलेज को बाकी कॉलेज से अलग करता है। इस कॉलेज का कैंपस 25 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है और यहाँ पे जिम मिल जाएगा आपको, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, साथ में साथ ओपन लाइब्रेरी है, स्टेट ऑफ आर्ट क्रिएटिविटी रूम है, सब कुछ है। बट एक चीज़ जो कि इसको और ज़्यादा स्पेशल बना देती है वो है इसका अमेजिंग हॉस्टल। मैं इस कॉलेज में सुबह ही आ गया था, पूरा कैंपस टूर किया है मैंने, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी यहाँ पे, जो कि तुमको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तुमको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि क्यों आया हूँ, क्या है यहाँ पे, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ताकि तुम खुद के लिए डिसाइड कर सको कि तुम्हारे लिए सही क्या है। तो चलो शुरू करते हैं राइट नाउ। ओके, तो हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एंड वी हैव गॉट दीज अमेजिंग फैसिलिटीज लाइक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्पोर्ट्स ऑफिस, स्विमिंग पूल, टक शॉप, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पज हॉल, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, जिमनेशियम, लर्नर्स लाउंज एंड स्क्वॉश कोर्ट। सब एक्सप्लोर करते हैं जल्दी से। एक दिली तमन्ना थी मेरी मेरे कॉलेज में कि मैं ना स्विमिंग सीखूं, बट मैं अपने म्यूजिक वीडियोस में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, कॉलेज के एकेडमिक्स में बहुत बिजी रहता था एंड मैंने ये कभी नहीं किया। इन केस तुम यहाँ आने वाले हो तो कुछ करो मत करो, एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करना, स्विमिंग करके छोड़ देना 3-4 महीने अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड कि ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, पटेल कहते थे उसको हम, इतना अमेजिंग उसकी बॉडी बन गई थी, इतना ज़्यादा फिट रहने लगा था वो स्विमिंग के कारण कि मैं बता नहीं सकता। द बेस्ट पार्ट इज़ ना कि ये कॉलेज न्यू है एंड दैट्स वाई जो भी कॉम्प्लेक्सेस तुम देख रहे हो ना वो काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा नए दिखते हैं और बहुत ज़्यादा फर्निश्ड है। मतलब यही स्विमिंग पूल अगर 15 साल पुराना होता, 25 साल पुराना होता तो शायद उसका लुक बहुत अलग होता, बहुत डिफरेंट दिखता, बट अभी देखो तुम कितना ज़्यादा मॉडर्न है, सब कुछ सही है। बेस्ट पार्ट कि पूरी बिल्डिंग में, हर एक बिल्डिंग में यहाँ पे लिफ्ट भी है, तो तुमको भागने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स खेल के थक गए हो, वापस हॉस्टल जाना है तो लिफ्ट का यूज़ करो। देखो यार, अगर मैं इस कॉलेज में होता तो मेरा फेवरेट बिल्डिंग तो ये होता, क्योंकि आफ्टर द लेक्चर आप थक जाओगे एंड थकने के बाद You need something to freshen up your mind and there is no space that is gonna be better than this. Wow. Badminton court, right? Yeah. यहाँ पे आप badminton खेल सकते हो and the best part is कि एक बार में बहुत सारी teams खेल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बने हुए। अभी जिस time पे मैं आया हूँ साल के, तो new session शुरू होने वाला है उनका and that's the reason कि बच्चे दिख नहीं रहे। Otherwise भाई, I would definitely love to come to this place जब बच्चे यहाँ पे हो, क्योंकि तुम समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो बेसिकली इस बिल्डिंग में सिर्फ इनडोर स्पोर्ट्स एरेना है, मतलब जो भी गेम्स आप इंडोर में खेलते हो यहाँ पे वो अवेलेबल है। और दिस इज अ रूम फॉर द अदर इंडोर गेम्स दैट वी हैव गॉट इन दिस कॉलेज। टेबल टेनिस यहाँ पे अभी बॉल प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज मैं तुमको खेल के एंड इस बच्चे को हरा के दिखाता, बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ये लड़का। कैरम खेल सकते हैं भाई, आ जाओ जैद अली। तो ये था कैरम बोर्ड एंड दिस इज चेस। यहाँ से मुझे बाहर दिख रहा है बास्केटबॉल कोर्ट, जो कि हम जाने वाले हैं, अभी आपको दिखाने वाले हैं। लेट मी टेक यू टू द जिम गाइज। सारी चीज़ें जो कि एक प्रॉपर जिम में होती हैं वो इस कॉलेज के जिम में प्रेजेंट है। सारी चीज़ें लाइक ट्रेडमिल, बटरफ्लाई ऐप्स, आपको जो भी बनाने हैं, मतलब मुझे नाम भी नहीं पता सही से, बट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है।
आई एम स्टैंडिंग एट द स्क्वाश कोर्ट गाइस. बहुत कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं इंडिया में जहाँ पे स्क्वाश कोर्ट अवेलेबल होता है. एंड वंस अगेन थैंकफुली इस कॉलेज में अवेलेबल है एंड बहुत ही मॉडर्न वाला है. वाओ, मतलब वही मैं कह रहा था ना कि जो भी कॉलेजेस अभी नए बन रहे हैं ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे से प्लान्ड है कि गुंजाइश ही नहीं कि तुमको ये फील हुआ कि बहुत पुराना है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर वो बहुत पुराना है. बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ है. वुडन फ्लोरिंग बहुत ही अमेजिंग. भाई खेलने में मजा आ जाएगा. दिस इज द फुटबॉल ग्राउंड गाइज. वंस अगेन फुटबॉल ग्राउंड भी है. मतलब क्रिकेट ग्राउंड अलग है, फुटबॉल ग्राउंड अलग है, बास्केटबॉल कोर्ट अलग है, टेनिस कोर्ट. कुछ छोड़ दो यार, कुछ तो छोड़ दो बाकी कॉलेजेस के लिए. एंड गाइस दिस इज द टेनिस कोर्ट. लाइक मैंने बोला कि कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स है नहीं जो इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया. बारिश हुई थी, पानी गायब हो चुका है. व्हाट अ फैसिलिटी ब्रो. राइट नाउ एट द टेनिस कोर्ट गाइस प्रॉपर एम्बिएंट लाइट. आप रात को भी खेल सकते हो. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्रिकेट ग्राउंड की प्रैक्टिस के लिए रोलर्स रखे हुए हैं. इंडिया में हो तो कॉलेज आने के बाद क्रिकेट तो खेलोगे ही, इसमें कोई शक नहीं है. एंड अगर तुम्हारा कॉलेज तुमको क्रिकेट का एक कोर्ट प्रोवाइड ना कर पाए, क्रिकेट का प्लेग्राउंड प्रोवाइड ना कर पाए, तो तुम बहुत ही ज़्यादा कॉलेज को बुरा भला कहने वाले हो. बट डोंट वरी, क्योंकि न्यूटन स्कूल तुमको वो भी प्रोवाइड कर रहा है. तो बेसिकली अगर तुम लाइब्रेरी में आए हो एंड तुमको ये मन कर रहा है कि नहीं यार मुझे अपने चार दोस्तों के साथ एक असाइनमेंट डिस्कस करना है, तो लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसे सेपरेट चेंबर्स भी बनाए हुए हैं जहाँ पे तुम अपने असाइनमेंट्स को डिस्कस कर सकते हो. किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बुक निकाल के उस पर डिस्कशन कर सकते हो एंड तुमको कोई भी नहीं रोकेगा क्योंकि ये पूरा एरिया साउंड प्रूफ है. तो बेसिकली गाइस तुमने लाइब्रेरीज तो बहुत सारी देखी होंगी, बट इस लाइब्रेरी के बारे में जो मोस्ट अमेजिंग बात है वो ये है कि बहुत ही ओपन सिटिंग एरिया है एंड काफ़ी चिल प्लेस है. एक ऐसी लाइब्रेरी जो कि तुम्हारा रिलैक्सिंग जोन बन सकता है. तुम आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, एक मग कॉफ़ी लो एंड यू आर गुड टू गो. और हमारे साथ माधव है यहाँ पे. हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है इनकी, बट ये भी मेरी तरह बिहार से है. तो माधव बता रहे थे कि जो पूरा फ्लोर है वो पूरा का पूरा फ्लोर क्रिएटिव स्पेस है, राइट? या कब आते हैं बच्चे यहाँ पे? लाइक अभी तो छुट्टी चल रही है तो अभी सब घर गए हुए हैं. ओके. जनरली 9 से 5 के बीच में रहते हैं और बच्चे लोग मतलब प्राइवेट क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं 11 बजे तक. ओके. एंड ये सारी चीज़ें वो लेके आते हैं या फिर क्या होता है? बहुत सारे मटेरियल्स रखता होगा ना? वो खुद का लेके आते हैं. ओके. कोई सिखाता भी है उनको? हाँ, टीचर्स रहते हैं हमेशा. तो ये एक अलग कोर्स है क्या है? कोर्स है ये, एक अलग कोर्स है जी. ओके. वाओ, कंपलसरी है? कंपलसरी है, लाइक जो जिनका मतलब मेजर्स है उनके लिए है, हमारे लिए नहीं. तुमको अगर ऐसा मन कर रहा है लेने का और तुम ले सकते हो? हाँ, माइनर्स के रूप में ले सकते हो. ओके. तो गाइज इनकेस माइनर्स बेसिकली होता है कि आपका एक पर्टिकुलर डिग्री है जिसमें कि आप मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में, एंड यू वांट कि आपको दूसरे किसी फील्ड का नॉलेज हो, तो आप उसमें एक माइनर डिग्री ले सकते हो. फॉर एग्जांपल आई हैव अ माइनर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट. तो दिस इज अमेजिंग बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे क्रिएटिविटी लेट्स योर माइंड थिंक इन अ वाइल्ड वे सच दैट इट कैन गेट यू आइडियाज जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा. वाओ, इस लुक एट दिस. मुझे मन कर रहा है इसको घर लेके चले जाओ. इस पूरे फ्लोर पे जो भी आपको आर्टवर्क दिख रहा है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए. एंड लिटरली इनको तुम देखोगे ना तो इतने ज़्यादा सुंदर है जो कि एक्चुअल लगता है कि कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाया हो. ओके गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आज तुम्हारे मन में होगी कि यार मुझे कॉलेज जाके ना एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना है, मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है. एंड ऑफकोर्स तुमने देख रखा है कि आज के डेट में अगर कॉलेज तुमको सपोर्ट करता है तो आप बहुत ही अमेजिंग स्टार्टअप्स खड़ा कर सकते हो. मेरे खुद के कॉलेज में एक फ्रेंड था अर्चित, एंड ही हैड दिस स्टार्टअप कॉल्ड सैनफे जो कि उसने कॉलेज फर्स्ट ईयर में शुरू करा था. एंड अभी उसने कॉलेज में रह के उसको पता नहीं कितने करोड़ों की कंपनी उसने बना लिया. तो बेसिकली अगर कॉलेज आपके स्टार्टअप को सपोर्ट करता है तो आप कुछ भी कर सकते हो. एंड थैंकफुली द मोस्ट अमेजिंग बात इज दिस कॉलेज ऑल्सो हेल्प्स यू इन बिल्डिंग अप योर ओन स्टार्टअप. तो बेसिकली अब स्टूडेंट्स को ना स्टार्टअप करने के लिए कॉलेज से ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है. वो कॉलेज में रह के अपने कैच को साथ में मैनेज करके स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं. कॉलेज इसको फुल सपोर्ट करता है. इनफैक्ट कॉलेज की जो टॉप फैकल्टीज़ हैं साथ में जो टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो खुद तुमको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि तुम अपने स्टार्टअप के आइडिया को एक्चुअली में अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको. इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती. मैं माधव से पूछ रहा था कि हॉस्टल रूम्स कैसे हैं, क्योंकि ये कह रहा था सुबह जैसे नए कपड़े पहने तो इसको आउटफिट चेंज करना है. तो चलेंगे वहाँ भी, बट बताओ कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हॉस्टल्स में लाइक कोल्ड वाटर फैसिलिटी है, फ्रिज है हमारे पास. रूम्स में? रूम्स एक कॉमन फ्रिज है, कॉमन फ्रिज. और उसके बाद एक एसी है सारे रूम में. ओके. और दैट्स लाइक वेल फर्निश्ड है. ओके. और कुछ चाहिए भी नहीं हमें पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई. एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. मुझे एसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर श्योर, क्योंकि दिल्ली में जब गर्मी होती है ना. हाँ, ऑफकोर्स. हाँ, दिल्ली सोनीपत आसपास है तो यहाँ जब गर्मी होती है ना तो भाई पढ़ा नहीं जाता. मुझे याद है मेरे कॉलेज में ऐसा था कि समर्स में ना हम सब बैठते थे एक कॉमन रूम में. हर हॉस्टल का कॉमन रूम होता था, हम सब वहीं बैठते थे. ओके गाइस, आई एम आउटसाइड द हॉस्टल एंड आई एम गोना शो यू कि हॉस्टल रूम कैसा है यहाँ का. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न बहुत ही बच्चों की, भाई आप पढ़ तो लेंगे बट अगर हॉस्टल रूम अच्छा नहीं हुआ, हॉस्टल में फैसिलिटी अच्छी नहीं हुई, तो हॉस्टल में रहने का मन नहीं करेगा. एंड ऑफकोर्स हॉस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि तुम अपना दिन का 8 घंटा ही बिताओगे मैक्स एकेडमिक्स एरिया में. मैक्सिमम टाइम तुम हॉस्टल में रहने वाले हो, अपने फ्रेंड से बात करने वाले हो, वहाँ पे सोने वाले हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हॉस्टल रूम्स बहुत अच्छे हो. लेट्स सी हाउ द हॉस्टल्स आर. एंड दिस इज द हॉस्टल रूम गाइस. मतलब
वंस अगेन न्यू कॉलेज, तो ऑफकोर्स हॉस्टल रूम तो सुंदर होना ही था। द बेस्ट पार्ट इज कि दिल्ली में कितनी गर्मी होती है आपको पता ही है, तो हॉस्टल के अंदर आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगा। तो पढ़ाई कीजिए, साथ में एसी ऑन कीजिए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। ये नहीं कि पसीना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पीछे अभी रात में आपको दिखा नहीं सकता, बट पीछे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी एंड ऑल है, तो बहुत ही सुंदर व्यू आपको सुबह उठ कर देखने को मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग बेड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, बेड शीट ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको बस आना है अपना सामान लेके एंड पढ़ाई शुरू कर देना है। काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे मैं अलमीराज देख सकता हूँ, दो अलमीराज हैं। ऑफकोर्स अगर ये शेयरिंग रूम है तो दो अलमीराज हैं दो लोगों के लिए। द बेस्ट पार्ट इज़ की स्पेशियस रूम है, लाइक बेड्स ज़्यादा क्लोज नहीं है, आराम से अपने जगह पर सो, चिल करो एंड पढ़ाई करो। स्पेस का बहुत ही बेहतरीन उपयोग, यहाँ पे मिरर लगा दिया गया है दरवाजे के पीछे ही, ताकि आप अपने तैयार व्यार हो सके, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। एसी भी बिल्कुल मॉडर्नाइज, यहाँ पे टेम्परेचर ऑल के लिए लगी है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें। और ये मैं एसी को ऑफ़ करते हुए, चलो दादा आ जाओ। हॉस्टल रूम में तुमको अपने दोस्तों से बात करने में दिक्कत हो रही है, स्पेस कम है, तो यहाँ ले आओ अपने दोस्तों को, यहाँ भी बात करो, पढ़ाई लिखाई करो, गेम खेलो, जो करना है करो, बस ज़िंदगी में खुश रहो, कभी गिव अप मत करना अपने ड्रीम्स में, हमेशा काम करते रहना, समझ में आया? वेरी नाइस, चलो प्राउड ऑफ यू, चलो खुश होते हैं। चलो अब कहाँ जाएंगे हम? अब हम जाएंगे मेस, 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 मेस में जाने वाले हम, क्योंकि भाई खाना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है लेकिन खाना इम्पोर्टेंट है। मेसी हेयर के साथ मेस जाएंगे, चलो चलो। सो गाइज, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, द मेस ऑफ दिस कॉलेज। एंड मेस में आपको दो टाइप के डिशेज मिल जाते हैं, नॉर्थ इंडियन एज वेल एज साउथ इंडियन, एंड खाने के बाद आपको स्वीट भी मिलता है। अब मैं बात करता हूँ इनके कंप्यूटर लैब के बारे में। अगर मैं इनके कंप्यूटर लैब की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर्स प्रेजेंट है। मार्केट में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे इस कैंपस में अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी बच्चे एडमिशन कराते हैं, ऑल ऑफ देम गेट्स द लेटेस्ट मैकबुक प्रो विद M2 चिप टू हेल्प देम सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स ऑफ CS एंड AI। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे CS और AI का डिग्री तो मिलता ही है, इसके साथ साथ बहुत सारी अमेजिंग फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जो कि मैं तुमको बताने वाला हूँ एक एक करके। नंबर वन, यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो टॉप फैकल्टीज है, फ्रॉम MIT, ड्यूक एंड IITs। इसके साथ साथ तुमको यहाँ पे पर्सनल मेंटरिंग मिलती है फ्रॉम टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेक लीडर्स फ्रॉम कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड 500+ टॉप MNCs। साथ में क्योंकि तुमको इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए होगा, यहाँ पे 6 महीने का एक लंबा इंटर्नशिप तुमको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी पेड इंटर्नशिप। तुमको पैसे भी मिलते हैं एंड तुमको एक्सपीरियंस भी मिलता है, ताकि तुम ग्रेजुएट करने के बाद इंडस्ट्री के लिए रेडी रहो। तुमको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टडी ट्रिप्स भी भेजा जाता है, टेक कॉन्फ्रेंसेज में भेजा जाता है टू कंट्रीज लाइक सिलिकन वैलीज, सिंगापुर, इसराइल एंड मेनी मोर। इसके साथ साथ इनका एक एग्जाम होता है NSET, जिसमें कि अगर तुम अच्छे से स्कोर करते हो तो तुमको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस एग्जाम के बारे में तुमको डिटेल में मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर मैं इनके पैकेज की बात करूं तो इनका पैकेज है 12 लाख पर एनम, ये बहुत सारे IITs से भी कंपेरेबल है। इनके जो कुछ एलुमनाइज है उनका पैकेज 64 लाख पर एनम तक गया हुआ है इन कंपनीज लाइक गूगल। इसके साथ साथ यू गेट टू कनेक्ट विद एन एलुमना नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ 2500+ पीपल एंड 1500+ हायरिंग पार्टनर्स ऑफ टॉप टेक कंपनीज एंड MNCs ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बेसिकली इस कॉलेज ने तुम्हारे प्लेसमेंट का सीन बिल्कुल सॉर्ट कर दिया, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं। आओ अच्छे से पढ़ाई करो, फैसिलिटीज एंजॉय करो और प्लेसमेंट लेके जाओ। अब आते हैं मुद्दे की बात में कि इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। वेल गाइज, इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो एक एग्जाम के थ्रू, जिसका नाम है ऑल इंडिया NSET एग्जाम। ये एग्जाम होने वाला है 10 जुलाई को, बहुत ही कम टाइम है आपके पास इसके लिए रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 9th of July 2023। जितने भी 12th के पास आउट स्टूडेंट्स हैं इन द ईयर 2021 to 2023, सब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एंड आप एग्जाम में जाओ, अच्छे से स्कोर करो, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्कोर कितना आता है आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अमेजिंग फैसिलिटीज एंजॉय करो एंड इस कॉलेज में आओ, विच आई एम श्योर ऑफ इज गोना डिसरप्ट द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री विद द अमेजिंग फैसिलिटीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग। NSET एग्जाम का लिंक और साथ में इस कॉलेज का वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, डू चेक इट आउट। सारे डिटेल्स को खुद से गो थ्रू करो, मम्मी पापा से डिस्कस करो, अपने सीनियर से डिस्कस करो, एंड फाइनली एग्जाम को दो, स्कॉलरशिप जीतो एंड अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए एक स्टेप आगे लो। आज की इस वीडियो में इतना ही। फ्यूचर यू का जो ये सीरीज़ है उसमें तुमको अलग अलग कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे ही मैं जाके विजिट करूँगा, देखूँगा कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, साथ में बहुत सारी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँगा, AI वगैरह, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में स्किल अप हो सको एंड आगे बढ़ सको, क्योंकि भाई इन द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिशन बहुत है एंड तुमको बाकी उसे अलग होना पड़ेगा। भेड़ चाल में नहीं फंसना है कि सब लोग इसकी तैयारी करें तो मैं भी वही करूँगा। भाई कॉम्पिटिशन भी देखो, सीट भी बहुत कम है, सब कुछ है। मैं यही नहीं कह रहा कि तुम उसके लिए एफर्ट मत मारो, मैं यही नहीं कह रहा तुम JEE के लिए अपेयर मत करो, बट मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि तुमको बाकी चीज़ें अवेलेबल क्या है मार्केट में उसके लिए भी ओपन होना पड़ेगा। अपने थॉट्स को रेस्ट्रिक्ट मत करो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो, जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। आई बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ फ्यूचर यू। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।